फ्रेंड्स शुभवास्तु, मैं मेरिटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर या ऑफिस में वास्तु अनुसार कैसे तस्वीरें या पेंटिंग्स लगाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चंस और वीडियो सजेशंस के लिए नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अक्सर हम हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर किसी न किसी तरह के तस्वीरें या पेंटिंग्स लगाते हैं। ये तस्वीरें या पेंटिंग्स अगर वास्तु के अनुसार होते हैं तो इससे घर की सुंदरता के साथ घर के एनर्जीज में भी बढ़त हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में कौन सी तस्वीरें या पेंटिंग्स होनी चाहिए, और तस्वीरें और पेंटिंग्स के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम किस दिशा में कौन सी तस्वीरें या पेंटिंग्स होनी चाहिए ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज होती है। इन डायरेक्शंस को हमेशा हल्के और खुले हुए होने चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व भी होता है, इसीलिए इन दिशाओं में आप धार्मिक तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके अलावा आप खुली हुई वादियों के, हरियाली के, झील, झरने, नदियों के भी तस्वीरें लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इन डायरेक्शंस में लगे हुए तस्वीरों में कभी भी पहाड़ यानी कि माउंटेन्स नहीं होने चाहिए। ईस्ट यानी कि पूरब की दिशा में आप एक सुंदर सूर्य उदय की तस्वीर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट ये अग्निकोण है और ये दिशा महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस दिशा में आप सुंदर हस्ती खिलती हुई महिलाओं की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट और साउथ के वॉल पर आप ऐसी तस्वीरें भी लगा सकते हैं जिसमें लाल रंग का ज्यादा उपयोग किया गया हो। फ्रेंड्स, फाइव एलिमेंट्स में से अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण ये दिशा हेवी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आप ऊंची पहाड़ियों के, ऊंची इमारतों की तस्वीरें लगा सकते हैं। फैमिली फोटोज को साउथ वेस्ट और वेस्ट के वॉल पर अच्छा माना जाता है। ऑफिस में साउथ वेस्ट के वॉल पर आप उन व्यक्तियों की तस्वीरें लगा सकते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक हो। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट में पाए जाने वाले एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व हर चीज को गति प्रदान करता है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसी तस्वीरें लगाना है जो वायु की गति को इंडिकेट करते हो, जैसे कि उड़ते हुए पंछी, हवाई जहाज, उड़ते हुए फूलों की पंखड़िया इत्यादि। फ्रेंड्स, कमर्शियल एरिया में नॉर्थ वेस्ट के वॉल पर आपको प्रमोशनल पिक्चर्स लगाना है, इससे आपको कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि तस्वीरों और पेंटिंग्स को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको आपके घर में हमेशा हैप्पी और प्लेजेंट तस्वीरें लगानी है। आपको ऐसी तस्वीरें अवॉइड करनी है जो दुख, उदासी, लड़ाई झगड़े को इंडिकेट करते हो, क्योंकि इन तस्वीरों को जो देखता है उसके मन में वैसी ही एनर्जीज क्रिएट होती है जिससे घर की एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती है। शादीशुदा लोगों के बेडरूम में हस्बैंड और वाइफ की हंसती हुई तस्वीरें होनी चाहिए, या फिर कपल यानी कि जोड़ियों वाली तस्वीरें लगा सकते हैं। बेडरूम में कभी भी भगवान की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या मीनिंगलेस तस्वीरें भी आपको अवॉइड करना है। घर को तस्वीरों और पेंटिंग से क्लटर ना करें, हो सके उतना सिंपल और मिनिमल रखें। फ्रेंड्स, कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स पेंटिंग्स और पिक्चर्स को एज वास्तु रेमेडीज यूज करते हैं, पर रेमेडीज के लिए इन तस्वीरों का प्रभाव सीमित होता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि पेंटिंग्स और पिक्चर्स को लेकर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।